जगत सिंह क्या कह रहा है कि कोई ना एक मॉडर्न मुसलमान है और कोई लिबरल मुसलमान है, इस्लाम एक ही। मुझे इस्लाम एक इत्तेदार पसंद है, जो दीन जिसकी किताब कुरान हो और कुरान के अंदर जो ये आयत हो कि अपने दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि उनसे इंसाफ ना कर सको, वो कैसे एक इतिहास पसंद नहीं हो सकता। मैं जब मेरे मेहमान नहीं था तो मैं कभी नहीं भूलता था, कोई वैसे विचार नहीं करता था, तो मैं हमेशा याद करता था वैसे बदला नहीं करूंगा। मुझे दीन ने चेंज किया, जब अल्लाह ने जो सबसे बड़ा तोहफा किसी इंसान को देता है ईमान का तोहफा है, और ईमान कई लोग नमाजें भी पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन अल्लाह उनको ईमान नहीं देता। ईमान देता है कि भी आदमी को दे सकता, किसी को भी उपराग में कहता मैं किसी को भी सीधा रास्ता लगा सकता। मेरा ईमान एक चीज कहता है कि जो कौन जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करती उसमें और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं। 32,000 पाकिस्तानी मर चुके, 32,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं 2004 से अब तक। कोई पूछने वाला है कि ये लोग कौन है, रेमंड डेविस की तो भी बात हुई है, कल वजीरिस्तान के अंदर बम घुमा के गए, उन्होंने जगह के अंदर 40-50 लोग मार दिए और बच्चे बेमसूर लोग। कौन पूछने वाला है, अगर हम भेड़ बकरी की तरह रहेंगे अल्लाह ने ऐसे रखेगा। इंसान बनना है तो अल्लाह कुरान में कहते हैं मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलना चाहता, कौन खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अल्लाह ने जहाज मार के फर्ज क्यों किया, क्या इतना बड़ा नाम ये जो जहादी है वो जहाज बना दिए। जहाज तो एक माशरे को जिंदा रखता है, जब आप जुल्म के बाद बात बुलंद करते हैं इसको जहाज कहते हैं, जब मुकाबला करते हैं या अपनी बेजती के लिए करते हैं अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह को कोई फील है। मैं आपको यकीन से कहता जब इराक के ऊपर बरतानिया हमला करने लगा 20,000 लोग बरतानिया में निकले उसके खिलाफ सड़कों के ऊपर, वो मुसलमान नहीं थे, उन लोगों ने कहा कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए निकले। किसी जमात ने भी उनको निकाला था, मैं भी उनके साथ चला था। जिंदा माशरा है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने जुल्म के साथ अपनी आवाज बुलंद की, इसलिए हम माशरे के अंदर सुन रही है। रेमंड डेविस जैसा कि एक बिलाल है आप करके दिखाएं किसी मगरबी मुल्क में और देखिए वहां क्या होता है। ये जो टोल टैक्स हो रहे हैं ये किसी मुल्क के ऊपर जबकि हिंदुस्तान में आकर के दिखा दे, हमें तो छोड़े, हमें तो हमारा तो दीन कहते हैं कि जुल्म का मुकाबला जो आप हिंदुस्तान में करके दिखा दे, बस अपने सड़कों पर आ जाएंगे। जब जॉर्ज बुश आया था पाकिस्तान, मेरी भाई जमा थी जो सड़कों पर निकली, हमें बंद कर दिया उन्होंने। हिंदुस्तान में लाखों लोग जॉर्ज बुश के खिलाफ निकले, उनका उनके दोस्ती थी उनके साथ, वहां भी लोग निकले कि जुल्म कर रहे जिसने जुल्म किया। मैं सिर्फ आपको ये बात करूं, ये इमरान खान का मसला नहीं है, इसमें कुछ सियासी मुफादात नहीं है। अगर आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे इसी तरह हमें बच्चों की तरह मारते रहेंगे, कभी किसी को उठा के ले जाते हैं कभी किसी को पकड़ लेते हैं, और ये अफवाह के अंदर सब लगे ऊपर जो बैठे हुए सब मुला पैसा इसके अंदर, क्योंकि उन्हें पता है आपने वकीली से पढ़ा कि वजीर आजम ने क्या कहा वकीली में अमरीकी लोग को, क्या आप टोल टैक्स करते रहे, ये फिक्र ना करें असेंबली में मैं लोगों को कंट्रोल कर लूंगा, हम मुजाहरे करते रहेंगे लेकिन आप जो मर्जी करना करते हैं हम इन पेड़ बकरे को कंट्रोल कर लेंगे असेंबली में। मैं सिर्फ आप रुपये आपके लिए कह रहा हूं कि यह हम सबका फर्ज है। मेरा तो कोई रिश्तेदार ही मारे रहे मेरे देवे से, मेरे तो वजीरिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं मार रहे जो बंबारी में मार रहे, लेकिन मैं इंसान हूं, इंसान में और जानवरों में फर्क है। इंसान ने मैंने इंसानियत डाली है और इंसाफ डाला है, ये दो चीजें ना आप इंसान नहीं है,
اندر انسانیت اور انصاف نہ ہو وہ جانتا ہے, جانتا ہے کہ نظام کے اندر جس کی طاقت اس کی جس کا ڈنڈا اس کے پاس سب کچھ ہے, کوئی نہیں پوچھتا شیر جس کو مرضی مار دے, اور جانوروں کے اندر جو بیچارے کمزور ہے اس کو مار جاتا ہے, جو طاقتور ہے وہ سب کچھ ہے. یہ انسانوں کا معاشرہ ہے, اسلام ہمیں انسان بناتا ہے. اگر اسلام ہمیں انصاف نہیں بناتا تو آپ مسلمان نہیں ایسے ہمارے میں. اور انسان ظلم اور انصاف ظلم کا مقابلہ کرتا ہے, انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اور جو انسان ہے اس کی انسانیت ہوتی ہے. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یہ بیچارے لوگوں کو جو مارا جا رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. میں پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ اگر مغرب میں جو مغرب کو جاتا ہوں اس طرح کا حادثہ نہ ہوتا, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ